इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। जब मराठा साम्राज्य की बात होती है तो नाम आता है छत्रपति, पेशवा, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ राजघरानों की। पर मराठा साम्राज्य के विस्तार में एक और परिवार का प्रमुख योगदान रहा है, जिसकी कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। ये थे नागपुर के भोसले राज परिवार। 18वीं शताब्दी के अंत में नागपुर के भोसले घराने का राज्य बंगाल की सीमा से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ तक फैला हुआ था। आइए जानते हैं नागपुर के भोसले परिवार की कहानी। नागपुर के भोसले परिवार का भारत के इतिहास में दो कारणों से महत्व है। पहला तो 17वीं शताब्दी के अंत में अगर आप भारत की जितने भी ताकतें देखें तो उनका राज्य सबसे बड़ा था। वो बंगाल की सीमा से लेकर ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है और भोपाल है, ऑलमोस्ट भोपाल की सीमा तक वहाँ तक फैला हुआ था। 1800s में वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और दूसरी बात ये है कि जनरली जो अगर हम देखें जो महाराष्ट्र का विदर्भ प्रांत है, मध्य प्रदेश का महाकोशाल है, छत्तीसगढ़ है, ये उस समय पूरा जंगल एरिया हुआ करता था। और अगर जो ह्यूमन कल्टिवेशन है, सेटलमेंट्स है, वो नागपुर का भोसले परिवार के राज में ही हुआ है। तो मध्य भारत के इतिहास में नागपुर का भोसले परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें इस क्षेत्र का इतिहास समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो बंगाल से लेकर ऑलमोस्ट जो मराठवाड़ा है और तेलंगाना तक, ये जो पूरा जो सेंट्रल इंडिया का जो एरिया था वो घने जंगल हुआ करते थे, जिसे बहुत पुरातन समय से दंडकारण्य फॉरेस्ट कहा जाता था। यहां पर 12वीं शताब्दी से गोंड राजाओं का शासन रहा। इनफैक्ट इवन जब मुगल काल में 16वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दियों में यहाँ पर अलग अलग गोंड राजाओं का राज्य था, जिसमें से सबसे प्रमुख थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगलों के साथ काफी संघर्ष किया था। और जो छिंदवाड़ा है वहां पर देवगढ़ करके एक जगह है, वहां के जो गोंड राजा थे उनका राज्य था ये जो आज का जो विदर्भ रीजन है वहां पर। और उन्होंने ही नागपुर जो एक अपना सेटलमेंट बनाया था और अपनी राजधानी वहां पर बनाई थी। नागपुर का भोसले राज परिवार है वो ओरिजिनली देऊर करके सातारा में है, वहां से है। और इस परिवार के सदस्य छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में फौजी हुआ करते थे। इवन दो उनका ये नागपुर का भोसले राज परिवार का सरनेम भी भोसले था और छत्रपति शिवाजी महाराज भी भोसले परिवार से थे, पर वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। जो नागपुरकर भोसले हैं उसके संस्थापक थे राघुजी भोसले प्रथम, जो छत्रपति सातारा के जो मराठा छत्रपति हैं उनके फौज में थे। 1720s में जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तब जो सातारा के छत्रपति हैं उन्होंने अलग अलग सरदारों को अपनी एरियाज डिस्ट्रीब्यूट करके दी थी। जैसे कि जो सेनापति दाभाड़े और गायकवाड़ है उनको गुजरात दिया था, जो पेशवा है और उनके जो सरदार थे सिंधिया, होलकर, उनको मालवा दिया था। उसी तरह रघुजी भोसले को जो ईस्ट के जो प्रांत हैं, जो वराड़ या बेरार कहा जाता है, और उसके आगे जो उस समय गोंड राज्य थे सेंट्रल इंडिया के, वो सब उन्हें कॉन्कर करने के लिए जो ईस्ट का जो प्रदेश है वो सब रघुजी भोसले को असाइन किया था। 1739 में क्या हुआ, जो देवगढ़ के गोंड राजा हैं जिनका कैपिटल नागपुर था, वहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि गद्दी पर कौन बैठेगा।
और जो एक जो कैंडिडेट थे उन्होंने रघुजी भोसले को बुलाया और इस संधि का इस्तेमाल करके रघुजी भोसले जो देवगढ़ का राज है विद द कैपिटल एज नागपुर वहां पर आए और उन्होंने अपनी सत्ता जमाना शुरू किया। और फिर धीरे 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 उन्होंने चंदा जो चंद्रपुर है, फिर जो गढ़मांडला जैसे कि वो नॉर्थ में जबलपुर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, तो स्लोली स्लोली वो सेंट्रल इंडिया के जो जंगलों के जो राज्य थे जैसे कि बोलंगीर है और वो धीरे धीरे एक 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 करके सब कैप्चर करने लगे। उनका राज्य ऑलमोस्ट उड़ीसा और बंगाल तक फैल गया। तो इस तरह 1739 से लेकर रघुजी भोसले अपने राज्य का विस्तार करने लगे। उस समय बंगाल जो है वो भारत का सबसे अमीर और समृद्ध प्रांत हुआ करता था, पर उस समय क्या हुआ, देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन बंगाल में जो नवाब बनने के लिए, और जो अली वर्दी खान है वो अपने राइवल्स को हराकर नवाब बने। तब उनके ही एक राइवल जो थे उन्होंने रघुजी भोसले को इनवाइट किया कि आप आइए और बंगाल पर अटैक कीजिए, और तब से 1741 से लेकर 1751 तक जो रघुजी भोसले है नागपुरकर भोसले, उनके टोटल 6 हमले हुए बंगाल पर। तो बंगाल के इतिहास में जो ये जो मराठा इन्वेजन्स हैं रघुजी भोसले के, वो एक काफ़ी कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, बिकॉज वहाँ पर अकाउंट्स हैं कि कितने लोगों का कत्लेआम हुआ और लूट मार हुई और काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ बंगाल में, पर यू सी इतिहास ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। तो एक तरफ थे रघुजी भोसले और जो अली वर्दी खान के जो राइवल हैं, दूसरी तरफ जो मुगल एम्परर है और जो पेशवा है वो नहीं चाहते थे कि रघुजी भोसले बंगाल पर अटैक करें, बिकॉज जो पेशवा है उनको ये डर था कि रघुजी भोसले की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वो इन द एंड जो भोसले ताकत है उसको चेकमेट करना चाहते थे। फाइनली लड़ाई हुई, रघुजी भोसले के जो प्रमुख जनरल थे भास्कर पंडित, उनका कत्ल करवाया गया अली वर्दी खान के द्वारा और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई एंड ऑल। फाइनली 1751 में नवाब अली वर्दी खान और रघुजी भोसले के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसके द्वारा जो उड़ीसा का प्रांत है वो नागपुरकर भोसले परिवार को दिया गया, और जो कटक है वहाँ पर उनकी उनका मुख्य राज्य था। और इस तरह से 1751 से लेकर 1803 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल तक मराठों का राज रहा उड़ीसा पर। उसी समय जब उनकी फौजें बंगाल तक लड़ रही थी, तब रघुजी भोसले अपनी फौज के साथ जो अर्कॉट के नवाब है, मतलब जो हम कोस्टल तमिलनाडु कहते हैं, उनके खिलाफ लड़ने गए और उनसे जो चौथ वसूली करने गए और यहाँ तक कि ट्रिची जो तमिलनाडु में है वहाँ तक गए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो हमारा ना बहुत ही वेस्ट सेंट्रिक और बहुत ही पेशवा सेंट्रिक नज़रिए से हम देखते हैं कि जो अटक तक गए पेशवा और उनकी फौजें राजस्थान तक गए नॉन, पर ये पर हम इस बात की ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि जो रघुजी भोसले थे वो इतने महान जनरल थे कि अगर हम अर्ली 1750s देखें तो उनकी ताकत जो कलकत्ता और मुर्शिदाबाद से लेकर ट्रिची तक थी, मतलब प्रैक्टिकली एंटायर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर उनका एक दबदबा रहा। 1755 में रघुजी भोसले का निधन हो गया और फिर गद्दी पर आए उनके बेटे जानोजी भोसले और फिर रघुजी भोसले द्वितीय,
उस समय क्या हुआ, जो पेशवा थे उनको लगा कि यू नो भोसले परिवार की, नागपुरकर भोसले परिवार की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो यू नो काफी इंट्रीग्स हुए, काफी कलह हुए, बट नागपुरकर भोसले बहुत क्लियर थे। उनका उनका कहना था पेशवास को कि आप वेस्ट के जो प्रांत है वो देखिए और जो ईस्ट इंडिया है वो आप हमें छोड़ दीजिए। पर यू नो उनकी झड़पें होती रही, उनके झगड़े वैसे होते रहे। रघुजी भोसले द्वितीय जो शासक थे उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नागपुर के जो संतरे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो संतरे इंट्रोड्यूस हुए नागपुर में वो रघुजी भोसले द्वितीय ने करवाए थे, और तब से ही नागपुर यू नो संतरों का केंद्र बना। 1798 तक जो नागपुरकर भोसले हैं उन्होंने अपना राज्य लोअर नर्मदा वैली, मतलब जो होशंगाबाद और बैतूल जिले हैं मध्य प्रदेश तक, वहां तक अपना राज्य बढ़ा दिया था। और अगर आप देखें तो 1800 तक वो भारत का सबसे बड़ा राज्य या रियासत बन चुकी थी, क्योंकि उसकी जो सरहद थी वो एक तरफ बंगाल को छू रही थी, पार्ट्स ऑफ झारखंड, ऑलमोस्ट एंटायर उड़ीसा, एंटायर छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ जो आज का मध्य प्रदेश है वो, ऑलमोस्ट 50% आज का महाराष्ट्र है वो, और जो थोड़े से जो बाकी स्टेट्स के जो थोड़े थोड़े एरियाज थे वो। तो इतना बड़ा उस समय राज्य बना था। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें नागपुरकर भोसले और अंग्रेज ने आमने सामने थे और एक दूसरे के खिलाफ थे। अनफॉर्चुनेटली इवन दो जो नागपुरकर भोसले हैं उनकी फौज बहुत ही पावरफुल थी, उनके खिलाफ जो जनरल कमांड कर रहे थे वो थे आर्थर वेलेसली, जो फेमस ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिन्होंने आगे जाकर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू में हराया था। और इवन दो जो भोसले फौज है वो बहुत अच्छी तरह से लड़ी, दे वर सिंपली आउट मनूवर्ड। तो इस तरह से 1803 में अंग्रेजों ने नागपुर का भोसले शासकों को हराया और उन्हें ट्रीटी ऑफ देवलगांव साइन करनी पड़ी, जिसमें जो उन्हें काफी टेरिटरीज अंग्रेजों को सरेंडर करनी पड़ी। एक बहुत सिग्निफिकेंट बात यह है कि इस ट्रीटी के तहत जो उड़ीसा है वो अंग्रेजों के कब्जे में आया, और इसका एक इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो बंगाल है और मद्रास वो पहली बार कनेक्ट हुआ, क्योंकि इसके पहले जो उड़ीसा है वो यू नो बीच में एक मराठा पोजेशन था, और बंगाल और मद्रास कनेक्ट होने के कारण अंग्रेजों की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा जो नर्मदा वैली है, जो महाकोसाल रीजन जिसे कहते हैं ऑफ मध्य प्रदेश, उसे भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। नाउ 1817 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तब उस समय के जो नागपुर के शासक हैं अप्पा साहेब, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, पर यू नो अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया, और फिर उन्हें यू नो जब उन्हें वो बंदी बनाकर अलाहाबाद ले जाया जा रहा था, तो फिर वो वहाँ से भागकर जोधपुर गए, और फिर जोधपुर में उन्होंने पनाह ली। 1853 में नागपुर राज पर रघुजी भोसले तीसरे राज कर रहे थे, और उनका जब 1853 में निधन हुआ तो लॉर्ड डलहौजी हैं उस समय के गवर्नर जनरल, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं कि जिन शासकों की औलाद नहीं है उनके राज्य को जब्त करना, ये अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन थी, इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके नागपुर राज को जब्त किया, जैसे झांसी का भी हुआ था। और उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में काफ़ी सवाल भी उठे लंदन में, तो यू नो उनका जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर था कि जो नागपुर है उसका ब्लैक कॉटन सॉइल है, और हमें ये इतनी रिच कॉटन प्रोड्यूसिंग टेरिटरीज हमें ब्रिटिश साम्राज्य में चाहिए। और दूसरा बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीज़न था नागपुर और बॉम्बे को कनेक्ट करना, बिकॉज
अगर आप देखें तो कोई भी जो सड़क और जो सेवा है वो सारी जो वो इतना बड़ा राज था नागपुर भोसले का। इनफैक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 1947 में भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जो थी 47,000 स्क्वायर माइल्स, पर जो नागपुर का जो राज था वो था 55,000 स्क्वायर माइल्स। तो अगर नागपुर रियासत जब्त नहीं हुई होती तो वो हैदराबाद से भी बड़ी होती। तो यू नो, हमें समझना चाहिए कि उसका क्या महत्व था और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था, और वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच फैली हुई थी। पर यू नो, जो भोसले परिवार है उसने काफ़ी कोशिश की अपनी रियासत बचाने की और वकील भेजे, ये वो, पर कुछ हुआ नहीं और अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। 1857 का जो गदर हुआ, उस समय जो नागपुर की रानी थी बाकाबाई, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और फिर जो अंग्रेज़ है उन्होंने राजा ऑफ देउर करके नागपुर परिवार को टाइटल दिया। उनके 300 गांव थे जो उनकी निजी संपत्ति थी वो उनको लौटाए, और इस तरह से परिवार आगे चला। इनफैक्ट नागपुर रियासत को लेकर एक बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि जब नागपुर कर भोसले राजा थे तो काफ़ी मराठी परिवार महाराष्ट्र से नागपुर आए थे, और जब रियासत ख़त्म हो गई तो एक काफ़ी समय तक वहाँ की जो मराठी कम्युनिटी है उनमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जज्बा था, और आगे चल के यू नो इसी कम्युनिटी ने फिर 1920s में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की स्थापना की। इनफैक्ट जब आरएसएस की स्थापना हुई नागपुर में तो जो नागपुर का भोसले परिवार है उसने काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट आरएसएस को किया, और जो आरएसएस की जो इनिशियल मीटिंग्स हुआ करती थी वो भोसले राज परिवार की प्रॉपर्टीज पे ही हुआ करती थी। तो अगर हम देखें नागपुर के भोसले परिवार का भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया है, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश है, जो एक समय ट्राइबल जंगल्स हुआ करते थे, उसका कल्टीवेशन, वहाँ पे शहर बसाना, वहाँ पर एक मॉडर्नाइज करना उस एरिया को, वो जो हुआ वो भोसले राज परिवार के काल में हुआ। तो हमें ये लगता है कि नागपुर का भोसले राज परिवार को अपना इतिहास, मराठा इतिहास में अपना ड्यू मिलना चाहिए।